हेलो डायनामोज, दिस इज आदित्य अष्टेकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य अष्टेकर, जहां पर रोजाना हम मिलते हैं रात 10 बजे और करते हैं एसबीआई क्लर्क की बेहतरीन वाली तैयारी। सो आज के क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब्जेक्टिव एग्रीमेंट। मैंने प्रीवियस सेशन में भी सब्जेक्टिव एग्रीमेंट के कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, इनकेस यू हैव मिस्ड इट आउट यू कैन चेक इट आउट इन द लाइव सेक्शन। और अभी हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे के पार्ट, यानी कि दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव एग्रीमेंट। सो लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द रूल। सो पहला जो केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है कौन सा, वो है सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम, मैनी, फ्यू, ऑल। इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ की बात की थी, जहां नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर आते हैं, बट यहाँ चीज थोड़ी डिफरेंट है। और वो क्या है कि सम ऑफ के साथ, सम ऑफ के केस में या मोस्ट ऑफ लिखा है, एक चीज जो अभी भी कॉमन है वो है यहाँ पे क्या, एक चीज जो अभी भी कॉमन है, दैट आई कैन सी यहाँ पे ऑफ अभी भी कॉमन है, ऑफ ऑफ ऑफ, नहीं भी ऑफ है तो सम, मेनी, फ्यू जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ऑफ लगाए तो सिलेक्शन की बात तो तय है, सिलेक्शन विल बी देयर, एंड सिलेक्शन एक में से नहीं होता, मल्टीपल में से होता है, दैट इज व्हाई काउंटेबल नाउन आएगा। अगर प्लूरल तो वो भी प्लूरल होना चाहिए, चाहे सम, मेनी, फ्यू लिखा है। इनमें एक चीज और देखने वाली बात है, इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैड डिस्कस्ड वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जो सब एक बार में केवल एक की बात कर रहे थे, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स वन एट ए टाइम, बल्कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग नाउन प्लूरल एंड वर्ब प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिखा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स हाउ सबमिटेड देयर असाइनमेंट, सो इट्स क्वाइट ईजी। सम ऑफ लिखा हुआ है तो सम ऑफ के हिसाब से क्या हो जाएगा, सम ऑफ विल टेक नाउन प्लूरल जो कि यहाँ दिख रहा है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके बाद वर्ब प्लूरल हाउ सबमिटेड देयर असाइनमेंट, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। ओके, या मोस्ट ऑफ लिखा है, मोस्ट ऑफ द कुछ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम द क्रिकेट मैच, तो ऐसे में वहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हो गया, आगे नाउन प्लूरल एंड वर्ब प्लूरल होगा। कुछ भी और लिखा है, ऑल ऑफ लिखा है, सेम वे इट विल गो। देन सम, मेनी, फ्यू भी अगर अलग लिखा है, सम स्टूडेंट्स हाउ क्वालिफाइड द एग्जाम दिस टाइम, तो ऐसे में सम स्टूडेंट्स हाउ क्वालिफाइड वहां पे आ जाएगा। ओके, तो जैसे ये मैंने कल भी इस पैसेज की हेल्प ली थी, इसी को अभी देखेंगे, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं सर इस तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और माइंड में बिल्कुल रहता है। तो देखो इसी में आगे जब पढ़ते हैं हम, इधर इस वाले लाइन पे तो सम लिखा है, मैंने बताया था सम के साथ नाउन प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल अगर काउंटेबल है तो, एनालिस्ट से ऑब्वियसली काउंटेबल है, एनालिस्ट काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल हुआ, एंड विल टेक अ प्लूरल वर्ब, तो इसीलिए सम एनालिस्ट बिलीव आ रहा है, दैट वन ऑफ द रीजंस। ये हमने कल भी देखा था, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर, जिसके कारण वन ऑफ द रीजंस और यहाँ पे वॉज आ रहा है। आगे फिर पढ़ोगे तो यू विल फाइंड यहाँ सम फिर लिखा है और यहाँ सम इकोनॉमिस्ट लिखा है, नाउन प्लूरल अगेन, नाउन प्लूरल विल टेक अप प्लूरल वर्ब, तो हैव यहाँ आ रहा है। और आगे पढ़ोगे तो यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ओके फाइन, तो इतनी है बातें। तो सम के तो काफी एग्जाम्पल्स हमें एक ही पैसेज में मिल गए। अगर आप इसी तरह से पढ़ना शुरू कर दो, जो भी रूल्स पढ़ो उसको केवल पढ़ो मत, इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में, किसी भी मैगजीन में, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसमें बस इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो आप रूल्स कितने आसानी से रिटेन कर पाओगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है एंड देन वी हैव अ वर्ब, दैट वर्ब विल बी सिंगुलर, व्हाई, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नेवर बी प्लूरलाइज, है ना, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरलाइज तो होता नहीं है। तो अब समझने वाली बात क्या रहेगी कि अगर मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, सम ऑफ की बात हो रही है, तो सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन, नाउ टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, दैट मीन्स जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, एंड अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसी चीज है जिसके साथ तीन बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, पहला, कैन वर्ब जो होता है इसके साथ वो हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, वर्ब सिंगुलर। दूसरा, कैन नेवर बी प्लूरलाइज्ड, ये कभी प्लूरलाइज नहीं होता है, ये वर्ड जो भी होता है ये प्लूरलाइज नहीं होते, जब भी आएंगे बिना प्लूरल वर्जन के आएंगे। एंड अ या एन इनके साथ यूज होना रिस्ट्रिक्टेड है, वर्जित है, कैन नॉट बी यूज, और एन नहीं यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट दिस मंथ, तो आप बोल रहे हैं लॉट्स ऑफ मनी, मनी लिखा है, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट दिस मंथ, मनी अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर आएगा, इसलिए मनी के साथ हैज आना चाहिए, लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट दिस मंथ, क्लियर है, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट दिस मंथ। कुछ भी और लिखा है, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर
plenty of water has been wasted. Again the same thing, plenty of water has been wasted. चलेगा. Some of लिखा है वैसा ही हो जाएगा. Some of the land is yet to be plowed. चलेगा. Okay, the noun uncountable है, verb should be singular. I think so, this rule is also clear. Next आते हैं दो set of rules जो बहुत अच्छे और important भी है, क्योंकि ये normal day life में आपके नहीं आते, and sense wise जो लोग solve करते हैं questions, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि सेंस वाइज ये पकड़ में नहीं आता. ओके तो देखा जाए क्या लिखा है. लिखा है मेनी अ या एन के साथ नाउन सिंगुलर एंड वर्ब सिंगुलर. उसके अलावा अगर मेनी अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी लिखा है तब नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल. ओके मैं खुद को थोड़ा सा और साइड कर लेता हूँ. यस नाउ इफ वी गेट टू सी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझे. सो जस्ट हैव अ लुक. मैनी अ या एन लिखा है. अब पहले तो आपको बता दो मीनिंग वाइज ये दोनों के दोनों फ्रेमिंग जो है वो सेम है, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं. तो ओनली डिफरेंस दैट कैन बी सीन इज कि यहाँ यूजेज का फर्क है. मीनिंग इज सेम, यूजेज इज डिफरेंट. अगर सिंगुलर वे में लिखना है तो हम मैनी अ एन लगा रहे हैं, प्लूरल वे में लिख रहे हैं तो मैनी अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी लगा रहे हैं. बट इसको याद कैसे रखें और एग्जाम में जब आपके सामने एक क्वेश्चन है तो कैसे आप माइंड में रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ यार वी आर गोइंग फाइन, वी आर गोइंग करेक्ट, हम गलत दिशा में नहीं जा रहे. तो बस ऐसे समझो मेनी अ या एन हो, चाहे मेनी अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी हो, दोनों में एक चीज कॉमन रखते हैं. सबसे पहले नाउन आ रहा है, नाउन इज हियर. सो इन केस ऑफ नाउन, नाउन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट वर्ड. ये तो हमें पता ही है. अ लिखा है तो बॉय आता है, मेनी लिखा है तो बॉयज आता है ना. तो बस नाउन किसके अकॉर्डिंग आता है, नियरेस्ट के हिसाब से. नियरेस्ट क्या है, अ या एन. समझ में आता है अ एन है मतलब नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा. और नाउन सिंगुलर पति एक, तो पत्नी भी कितनी होनी चाहिए, पत्नी भी एक होनी चाहिए. ये हमने कल भी डिस्कस किया था, राइट. तो मेनी अ या एन और उसके अलावा नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर इस तरह से आता है. सिमिलरली इफ टॉकिंग अबाउट मेनी अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी, ओके मेनी अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी, तब नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल आएगा. क्यों, अगेन नाउन आ रहा है, नाउन के नियरेस्ट वर्ड देखो क्या है. अगर अ गुड मेनी लिखा है तो यहाँ पे मेनी है. If they are using a great many, तो भी many है. और अगर केवल many लिखा है तो भी many है. हर केस में many, many एक होता है क्या, not at all. Many एक से ज़्यादा की बात करता है, एक से ज़्यादा की बात करता है. तो इसीलिए noun plural आ रहा है. Everyone knows noun plural, तो वह plural, पति बहुत सारे तो पत्नियाँ भी बहुत सारी होनी चाहिए, right? तो I hope so इतना clear है. तो बस उसी के example के तौर पर लिखा है many a politician has promised to bring changes. तो अगर ऐसा लिखा है many a politician, you can easily understand या politician लिखा है क्यों, क्योंकि nearest word a है, a मतलब एक, तो many a politician has promised to bring changes. और यही plural में लिखना है तो या तो केवल लिखो many, या तो केवल लिखो a great many, या लिखो a good many, चाहे कुछ भी लिखो. A great many politicians have promised to bring changes. That's how it should go. Okay? ध्यान रखने वाली बात, noun plural और verb plural आएगा because the nearest word is many. One more thing, meaning wise दोनों के दोनों same है, meaning wise दोनों का ही मतलब, मीनिंग वाइज ये दोनों का ही मतलब एक ही आता है. और वो आता है क्या, दोनों का ही मतलब होता है अ लॉट ऑफ. ओके अ लॉट ऑफ का ही मीनिंग देता है. अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हैव प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग चेंजेस, ये दोनों का मीनिंग है. ठीक है, दोनों का ही मीनिंग वैसा आएगा. मीनिंग वाइज दोनों सेम है, मीनिंग यही है दोनों की. ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस फर्क है यूजेज में. यूजेज में मैनी अ एन लगा दिया नाउन सिंगुलर, मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी लिखा तो नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल. क्लियर है, आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट की तरफ चले, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़े. नाउ इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है कौन सा, मोर देन वन वाला, जिसको हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक कनेक्टेड नहीं है तो यार किस चीज का इंतजार कर रहे हो. ये टेलीग्राम चैनल का जो है हैंडल है आदित्य सर इंग्लिश, आप ऐसे ढूंढ सकते हो. नहीं अगर आपको दिक्कत है तो ये जो स्कैनर है इसको आप स्कैन कर ले. कैसे करोगे, कैमरा ओपन करो अपने मोबाइल में, कैमरा ओपन करके व्हाट यू हैव टू डू, वहाँ लेंस होता है गूगल लेंस, गूगल लेंस पे क्लिक कर दो. ये आजकल गूगल लेंस का डायरेक्टली आप ही आप ढूंढ सकते हो. गूगल लेंस खोलो और इस स्कैनर पे आप रखोगे तो आपको इजीली वहां पे जो है एक लिंक वो मिल जाएगी, उसको क्लिक करना एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम चैनल. ओके तो इसको आप जो है चाहो तो स्कैन कर सकते हो. चलते हैं अगले रूल की तरफ. स्कैन करने के लिए
आई होप सो आपने फोटो क्लिक कर लिया है, ठीक है, नहीं तो पीछे करके पॉज करके फिर कर लेना। आगे चलते व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ चले। अब इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है मोर देन वन वाला। मोर देन वन के साथ नाउन सिंगुलर एंड वर्ब सिंगुलर, मोर देन वन के साथ नाउन सिंगुलर एंड वर्ब सिंगुलर। इसी तरह से अगर मोर पहले लग जाए तो मोर के तुरंत बाद अगर लग जाए नाउन और फिर देन वन आ रहा है तो वर्ब प्लूरल। व्हाट डज दैट मीन? देखो पहले फिर से वही है जो अभी रूल अपन ने मेनी अ मेनी एन में पढ़ा या अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी में पढ़ा, सेम चीज लागू हो रही है, कुछ अलग नहीं है। हमें केवल एक से मतलब है, वो है नाउन से। नाउन के नियरेस्ट वर्ड क्या है? वन। नाउन के नियरेस्ट वर्ड क्या है? वन। वन मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और मोर नाउन, मोर के तुरंत बाद नाउन लग रहा है तो अब नाउन है, नाउन के जस्ट पहले वर्ड है मोर। मोर का मतलब क्या एक होता है? बिल्कुल भी नहीं। मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब, ज्यादा मतलब काफी सारे हैं, तो काफी सारे के हिसाब से नाउन प्लूरल आएगा एंड नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, क्लियर है? तो बस वही है, कुछ अलग नहीं, बस नाउन को देख के नियरेस्ट वर्ड को, नाउन को लगाने के हिसाब से नियरेस्ट वर्ड को देखो, नियरेस्ट वर्ड जैसा इंडिकेशन दे रहा है अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द नाउन एंड नाउन विल बी अकॉर्डिंग टू द या वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नाउन, है ना? पति पत्नी की बात मानेंगे या पत्नी पति की बात मानेगी, तो बस वही ध्यान रखना है। सेम इधर है, बस इधर वर्ब मत लगा देना नियरेस्ट के हिसाब से। वर्ब नियरेस्ट के नहीं, वर्ब जो है वो हमेशा नाउन के हिसाब से, यानी पत्नी हमेशा पति के हिसाब से यहाँ पे चलेगी ग्रामर के कॉन्सेप्ट में। रियल लाइफ में चले ना चले उसका हमारे हाथ में कोई भी डोर नहीं है। ओके, सो यहाँ लिखा है मोर देन वन प्लेयर इज इंजर्ड फाइन, मोर प्लेयर्स देन वन आर इंजर्ड फाइन। तो मोर देन वन लिखा था, वन के हिसाब से नाउन, यहाँ पे वन के हिसाब से आया है सिंगुलर, नाउन सिंगुलर एंड वर्ब भी क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। मोर देन वन प्लेयर इज इंजर्ड, और मोर प्लेयर्स देन वन अगर लिखा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी फिर से देख सकते हो, प्लेयर्स है ये किसके हिसाब से है? मोर के हिसाब से। मोर क्या है? ज्यादा। ज्यादा मतलब नॉन प्लूरल, नॉन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, खत्म बात। कुछ भी सेंटेंस बना लो, मीनिंग वाइज दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम ही आएगा, मीनिंग दोनों का सेम आएगा। हिंदी में बोलूं तो दोनों का ही मीनिंग है एक से ज्यादा, एक से अधिक। ओके, एक से ज्यादा खिलाड़ी चोटिल है, एक से ज्यादा खिलाड़ी चोटिल है। द ओनली डिफरेंस इज द यूजेज, दो अलग तरह से लिख सकते हो। सिंगुलर में लिखना है तो ऊपर वाले के हिसाब से लिखो, प्लूरल में लिखना है तो आप नीचे वाले के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ओके, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। व्हेन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट केस, दैट इज अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, फंसना नहीं है, पहले समझो। अ नंबर ऑफ लिखा है, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल आएगा। अब यहाँ गड़बड़ हो गया, ऐसा लगेगा अरे अ लगा है तो प्लूरल क्यों, अ के साथ तो सिंगुलर होता है। वन थिंग आई वुड लाइक टू रिपीट इज, नाउन आएगा नियरेस्ट के हिसाब से, दूर वाले के हिसाब से नहीं, तो उससे जज मत करो। और द से भले ही और द का डिफरेंस है, बट क्या है डिफरेंस, कैसे फील करोगे, कैसे आप याद रखोगे वो समझो। अ नंबर ऑफ एक फ्रेज होता है, इनफैक्ट कोई भी ऐसा फ्रेज आए अ डैश ऑफ वाला, इसमें यही रूल लागू होता है। हमने लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ पढ़ा था, याद है? लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट दिस मंथ, प्लेंटी ऑफ वाटर हैज बीन स्पेंट, या अनकाउंटेबल थे। इफ आई नीड टू यूज अ काउंटेबल नाउन विद दीज वर्ड्स या दीज फ्रेजेस, तो मैं अ लॉट ऑफ कर दूंगा, अ प्लेंटी ऑफ कर दूंगा, अ नंबर ऑफ कर दूंगा, अ हाई नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह से जाएगा। ओके, अ डैश ऑफ वाला केस जहां हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल आता है, रीजन भी है उसके पीछे, क्योंकि अ नंबर ऑफ या जो भी अ डैश ऑफ वाला केस होगा वो मोस्टली बड़ी तादाद में का सेंस दे रहा होता है। अ नंबर ऑफ पीपल हैव ज्वाइन द आर्मी, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन किया ऐसा। ओके, तो अ नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, ह्यूज नंबर ऑफ, सबका मतलब होता है बड़ी तादाद में या भारी संख्या में। दैट इज वाई इसके साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल आता है। बट जब लिखा है द नंबर ऑफ तो चीज बिगड़ जाती है, एक और चीज बदल जाती है, वहां सेंस ही बदल जाता है। अब द जो लग रहा है इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द वर्ड नंबर, तो अब हम जो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं वो है संख्या, नंबर, नंबर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर इज द हाईलाइट, तो नंबर ऑफ समथिंग वो अपने आप में नाउन प्लूरल है और वर्ब यहाँ हो जाएगा क्या, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। वाई सो, अब इसको समझते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ लिखा है तो एक फ्रेज है बड़ी तादाद में भारी संख्या में, बट द नंबर ऑफ में स्ट्रेस ही नंबर पे होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ सो दैट आप लोग देख सके, एक बार पढ़ लो फिर मैं वापस आता हूँ बताता हूँ।
फाइन. सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या बोलना चाह रहे हैं इसको अगर समझे, क्या बोला है, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम हैव रिटर्न्ड होम ड्यू टू सम ऑर द अदर रीजन. तो अगर मैं कह रहा हूँ अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, नाउन प्लूरल आएगा क्योंकि बड़ी तादाद में बात हो रही है. प्लेयर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम हैव रिटर्न्ड होम ड्यू टू सम ऑर द अदर रीजन. तो जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ था, वर्ल्ड कप खत्म हुआ और वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अधिकतर पूरी टीम जो है वो चली गई. कुछ छोटे मोटे मतलब थोड़े मोटे प्लेयर्स या नए प्लेयर भी बेसिकली आए थे. तो वो आए तो अ नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब बहुत सारे प्लेयर खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो लौट गए. फिर बाद में एक दो के आ गए थे, मैक्सवेल और कौन था वो ट्रेविस हेड वगैरह आ गए थे. तो अ नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम हैव रिटर्न्ड होम, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव रिटर्न्ड होम चलेगा. बट अगर यही मैं बोल रहा हूँ द, तो द लग रहा है नंबर के लिए, द नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रिटर्निंग होम. तो वो नंबर बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ऐसा बोल रहा है, वो नंबर बढ़ता जा रहा है. ज्यादातर द नंबर के साथ होगा ऐसा ही, द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द नंबर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, द नंबर हैज बिकम स्टेग्नेंट या कॉन्स्टेंट, ओके द नंबर इज 50, द नंबर हैज क्रॉस्ड 50. तो नंबर कुछ करेगा नहीं, नंबर के बारे में बता रहे, वो नंबर बढ़ गया है कम हो गया, उस नंबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जब द नंबर ऑफ लिखा है. इनफैक्ट ये जो द नंबर ऑफ वाला केस है, ये वही केस है, इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के केस में कंसिडर किया जाता है. द नाउन ऑफ नाउन का केस जो होता है, जहां नाउन वन और ये नाउन टू है, तो वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू नाउन वन. वर्ब जो है फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आता है. जैसे अगर मैंने कहा द प्राइसेस ऑफ ऑयल डैश इंक्रीजिंग, तो अब देखना है, काफी लोग क्या नियरेस्ट के हिसाब से लगा देते हैं, ऑयल लिखा है तो ऑयल इज इंक्रीजिंग, ऑयल नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं. प्राइसेस सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. तो द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ऐसा होना चाहिए, द प्राइसेस ऑफ ऑयल आर इंक्रीजिंग, गॉट इट. वैसे ये द नंबर ऑफ समथिंग, तो नंबर है स्ट्रेस, नंबर पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, द नंबर इज इंक्रीजिंग, द नंबर इज डिक्रीजिंग, इस वे में जाएगा. लास्ट दो और केसेस बनते हैं, वो है कौन सा, पहला द वर्ब विद कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. दिस इज समथिंग डिफरेंट. जब बात हो रही है वर्ब विद कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन काफी लोगों को लगता है कलेक्टिव नाउन है क्या है ये, तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली इज व्हाट, व्हेन टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की जा रही है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि कलेक्टिव नाउन इज द ओनली थिंग वेयर थिंग्स आर नॉट एज यूजुअल. कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी, मतलब ये एक ऐसा नाउन है जिसकी पत्नी सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी. ये कैसे डिपेंड करेगा कि वह कैसा है, उस पे डिपेंड करेगा, ये अलग तरह की कैटेगरी है. बेसिकली कलेक्टिव नाउन में दो चीजें हो सकती है, कलेक्टिव नाउन या तो पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल मेंबर्स की अलग अलग बात कर रहा होगा. व्हाटएवर द केसेस द वर्ब विल बी अकॉर्डिंगली. ओके, अगर पूरे ग्रुप को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक ग्रुप हुआ इसलिए सिंगुलर, अगर उस ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स की बात अलग 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 के सेंस में हो रही है तो प्लूरल, खत्म बात. वही लिखा है, इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज एज अ ग्रुप, एक पूरे ग्रुप की तरह अगर यूज किया जा रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगा हमेशा, और अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की तरह यूज हो रहा है तो प्लूरल होगा. इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज एज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप देन द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. क्या मतलब, आओ देखें, जैसे लिखा है द टीम हैज वॉन द मैच, द टीम हैज वॉन द मैच. तो अगर ऐसा बोला जा रहा है द टीम हैज वॉन द मैच, यहाँ देख सकते हो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन. टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन के हिसाब से वर्ब वहां पे क्या आएगा, एक ग्रुप की तरह आएगा, तो इसे वर्ब सिंगुलर आना चाहिए. द टीम हैज वॉन द मैच, द टीम हैज वॉन द मैच, द आर्मी हैज मार्च्ड टुवर्ड्स द रेड फोर्ट, है ना. यहाँ कलेक्टिवली काम हो रहा है, टीम मैच जीती है, पूरी की पूरी टीम जीती है. ऐसा तो नहीं चार लोग जीते तीन लोग हारे कि रोहित जीत गया विराट हार गया, ऐसा तो नहीं होगा. ये केवल रोहित वर्सेस विराट फैंस में ही हो सकता है. नॉर्मली टीम इंडिया के हिसाब से या तो इंडिया जीतेगी या इंडिया हारेगी, ऐसा नहीं होगा कि रोहित जीतेगा और विराट हारेगा. माना ये मुंबई इंडियंस मतलब आईपीएल में भले ही हो जाए. द आर्मी हैज मार्च टुवर्ड्स द रेड फोर्ट, अगेन द सेम थिंग, द आर्मी, आर्मी पूरी की पूरी ग्रुप है या पूरा का पूरा ग्रुप है, पूरे का पूरा कलेक्टिव नाउन है. अब मार्च करेंगे तो सब एक साथ ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे बाकी लोग कहेंगे तुम पहुंचो हम चाय पी के आते हैं ना. तो बेसिकली क्या है, द आर्मी हैज मार्च टुवर्ड्स द रेड फोर्ट, दैट्स हाउ इट शुड गो. क्लियर है, समझ में आई बात, आई थिंक सो दिस इज क्लियर. सो बस वही है. और कलेक्टिव नाउन जब इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की तरह होते हैं तो क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप देन द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. व्हाट डज दैट मीन,
For example, if I say the team came on the field and took their position. Now you need to understand, team here is the collective noun. Team क्या है? एक collective noun है. Collective noun है तो team जो है field पे आई और अपनी 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 position ले ली. ऐसा ही तो बोल रहे हैं. अपनी अपनी ले ली यानी कि यहाँ पे their का इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर verb भी होता है तो the team were on the field and took their positions, ऐसा हो जाता. Similarly, army went to the armory and picked their weapons. Plural verb नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा. वर्ब आता तो वो भी ऐसे आर्मी वर गोइंग टू द आर्मी टू पिक देयर वेपन्स, ऐसा हो जाता. ठीक है, तो भी आर्मी वर गोइंग प्लूरल ही आता. क्यों? क्योंकि वेपन्स पिक करोगे. अब आप देखो, जब टीम फील्ड पे आई, उन्होंने सबने अपनी अपनी पोजिशन ली, ऐसा ही होगा कि सब एक ही जगह घुस जाएंगे? नहीं नहीं, मैं माही भाई के बगल में लगूंगा, ऐसा नहीं होगा. सब लोग अलग 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 रहेंगे, है ना. कोई थर्ड स्लिप में रहेगा, कोई सेकंड स्लिप में रहेगा, कोई फर्स्ट स्लिप में रहेगा, कोई जो है पॉइंट पे रहेगा, कोई थर्ड मैन के रूप में रहेगा, कोई मिड ऑन पे, कोई मिड ऑफ, कोई कवर पे, ऐसे अलग अलग जो है जगह पोजीशन रहेंगे. तो कहने का मतलब वही है कि द टीम गेम ऑन द फील्ड एंड टुक देयर पोजीशन. सब प्लेयर्स का अपना अपना पोजीशन वहाँ था. सिमिलरली आर्मी वेंट टू द आर्मरी एंड पिक्ड देयर वेपन. सबने अपने 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 अस्त्र शस्त्र जो भी है वो उठाए. तो दैट्स हाउ इट शुड गो. क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इफ अ फिक्स्ड अमाउंट या सम या फिर डिस्टेंस इज एक्सप्रेस बाय अ प्लूरल नंबर द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर. ये भी इंपॉर्टेंट है. कह रहे हैं अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट है या सम है या फिर डिस्टेंस है, ओके डिस्टेंस है जो कि प्लूरल नंबर के साथ एक्सप्रेस किया जा रहा है, तब भी वर्ब सिंगुलर आएगा. ये कैसे? प्लूरल नंबर है फिर भी सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे दी हुई जो चीज है अमाउंट या सम या डिस्टेंस वो फिक्स्ड है. क्या है? फिक्स्ड है. जैसे 500 rupees is his daily wages. 500 rupees is his daily wages. तो भाई daily wages के रूप में बोल रहे हैं. Daily wages है, fix है, 500 rupees उसको हर दिन का मिलता है, रोजाना की मजदूरी है, fix है, इसलिए 500 ही वहाँ पे है. 500 एक collective way में ही जा रहा है, इसलिए 500 rupees is his daily wages, not our. 60,000 is her monthly salary. Same चीज़ है. 60,000 is her monthly salary. तो ये fixed है. हर महीने को उसको अकाउंट में 60,000 आ जाते हैं, तो 60,000 फिक्स्ड है. फिक्स्ड वाले केस में इज लगता है, चाहे अमाउंट हो चाहे डिस्टेंस हो. डिस्टेंस में भी वैसे ही चलेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है इसे लिखा है 200 rupees. अब आर लाइंग ऑन द फ्लोर लिख रहे हैं, वाई सो? यहाँ क्यों फिक्स्ड नहीं है? नहीं हो सकता, ये चीज ही वैसी नहीं है. आप खुद सोचो कि ऐसा पॉसिबल है कि 200 rupees जमीन पे पड़े हैं और ये जो है क्या फिक्स्ड रहे? फिक्स्ड रहे तो क्या जरूरत है कमाने की? 200 rupees बहुत है, अपना दिन का गुजारा तो कर ही लोगे, खा भी लोगे. आओ 200 rupees जहाँ भी पड़े रहते वहाँ उठाओ और फिर निकलते बनो, फिर कल सुबह आओ फिर वही कर लो. तो ऐसा करोगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई. आज 200 किसी के गिर गए होंगे इसलिए पड़े हुए, कल कुछ नहीं होगा, परसों हो सकता है 2000 पड़े हो. तो दैट्स द पॉइंट. 200 rupees आर लाइन, दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज गोइंग टू चेंज विथ एवरी मोमेंट. ओके, बट ये क्या है? ये फिक्स्ड है, ऑल थ्रूआउट फिक्स्ड ही है, तो इसलिए वहाँ फिक्स्ड के हिसाब से वो सिंगुलर, वेरिएबल है तो प्लूरल. सेम इज द केस विद डिस्टेंस. जैसे लिखा है 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. फिक्स्ड है कि भाई जो वॉक करने के हिसाब से अगर आइए तो 10 miles फिक्स्ड है. 10 miles हो गया लॉन्ग डिस्टेंस है. कुछ भी ऐसा आ रहा है 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 5 kilometers इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी ऐसा है. डजंट मैटर नंबर क्या है, बट ऐसा कुछ भी स्टैटिक चीज लिखी हुई है, एक फैक्ट की तरह दिया है, वो वर्ब सिंगुलर लेगा. देन द क्वेश्चन आ रहा है प्लूरल फिर कब होता है. प्लूरल ऐसे केस में होता है जैसे लिखा है 500 meters आर स्टिल रिमेनिंग टू रीच द डेस्टिनेशन. ठीक है, अगर ऐसा लिखा है कि 500 meters आर स्टिल रिमेनिंग, अब आप खुद सोच सकते हो कि अभी कह रहे हैं कि 500 meters और बचे हैं यहाँ से. 500 meters बचे का मतलब है थोड़ी देर बाद 400 बचे होंगे, थोड़ी देर बाद 400 बचे होंगे, उसके और थोड़ा और आगे चलोगे तो 300 मीटर बचे होंगे, फिर 200, है ना, फिर 200, फिर 100, फिर 100, एंड देन फाइनली वी आर एट आर डेस्टिनेशन. तो डेस्टिनेशन रीच्ड, है ना, या उससे पहले 600 था, 700 था, 800 था, जो भी है. ये चेंज होता है हर चीज, हर बार जो है चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं फिक्स्ड नहीं है, और इसी के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आर लगाया जाएगा. ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर. एक बोनस रूल और इसके साथ जुड़ जाएगा, बोनस रूल और डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा. सो बोनस रूल क्या है, हमने वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का केस जो है वो जाना था, राइट. वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ जाना जाता है, नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर आता है. बट वी नीड टू बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग द केस ऑफ नन ऑफ. नन ऑफ का केस थोड़ा अलग होता है.
नाइदर ऑफ द दो की ही बात करता है, दैट्स व्हाई इट विल टेक अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब. ओके, बट अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, नन ऑफ की, नन ऑफ के साथ दो केसेस बनते हैं. नन ऑफ नॉर्मली नाउन जो है वो लेता है कैसा, नाउन तो प्लूरल ही आएगा. ओके, बट वर्ब नॉर्मली इज सिंगुलर. नन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, बट इसमें एक चीज और होती है, यहाँ वर्ब प्लूरल भी आ सकता है. सवाल होता है सर ये क्या है, प्लूरल भी आ सकता है, हम कैसे पता करेंगे? आओ देखें. सी नॉर्मली कैसा होता है, जैसे कि मैंने कहा नन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, नॉर्मली तो ऐसे ही लिखेंगे, जैसे नन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, नन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग. अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ नन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुक्स लिखा है तो जितनी बुक्स है इनमें से एक भी इंटरेस्टिंग नहीं है. मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि जीरो, जीरो बुक इज इंटरेस्टिंग, जीरो के हिसाब से क्या ही आएगा, इज आ जाएगा, है ना, सिंगुलर है, वहाँ प्लूरल तो हुआ नहीं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, तो लेकिन ये कब होगा, नन ऑफ द, जैसे मान लो नंबर लिख दिया जाए, कोई भी नंबर लिख दिया जाए, नन ऑफ द फाइव बुक्स, तो अब ये क्लियर है कि ये पांच में से बोल रहा है कि पांच में से एक भी जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है. तो यहाँ पांच जो है एक वॉल्यूम वाइज दिया हुआ है, एंड दैट इज द रीजन वाई ऐसे केसेस में हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं. ओके, जब कुछ नहीं दिया है तो यू कैन गो विद आइदर सिंगुलर और प्लूरल, इज भी हो सकता है आर भी हो सकता है, नन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग या आर इंटरेस्टिंग. बट अगर फाइव बुक्स लिख दिया, नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स आर प्लेइंग दिस टूर्नामेंट, तो आर प्लेइंग हो जाएगा, इज प्लेइंग नहीं होगा. ओके, आई थिंक सो ये भी क्लियर है और ध्यान रख पाओगे इस चीज को, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको बोनस रूल या जैकपॉट रूल में रखा था. सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. अगेन, अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, इस स्कैनर को स्कैन कर लेना. बाकी हमारे ये दो सेशंस है जो फिक्स्ड है, जो होते हैं 8 बजे एडिटोरियल का और 10 बजे जो है होता है प्रैक्टिस सेशन फॉर SBI क्लर्क. आज क्योंकि मैं जो है सेशन लेने में पॉसिबल नहीं था, आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है जो आपको इस टाइम पे मिल गया है. सो आई होप सो दैट इज फाइन एंड क्लियर, सो दैट आपका लॉस कुछ भी ना हो, मैं रहूँ ना रहूँ सेशन रहना चाहिए, राइट? तो बस बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट यू आर नोटिफाइड फॉर एवरीथिंग, फॉर वट एवर गोज लाइव, और इनफैक्ट इफ एनी वीडियो कम्स आउट, या फिर कोई शॉर्ट वीडियो भी आ रहा है, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, सब चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड इफ यू प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल. दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल देन अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.